नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। वित्त मंत्री अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में दूसरी बार मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में इस सरकार का अंतिम बजट पेश किया। हालांकि बजट के आने से लोगों से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों को काफी उम्मीदें थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि इस बजट में दिल्ली वालों के साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया गया है। आपको बता दें कि किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की जाएंगी, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बता दें कि बजट के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन यानी 5 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें सालाना 6,000 रुपये सरकार की तरफ से 3 किस्तों में दिए जाएंगे, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों के साथ धोखा बताया। अब सवाल यह उठता है कि जिन चीजों को ध्यान में रखकर बजट में घोषणाएं हुई है, उससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा या फिर नहीं। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि कुछ जरूरी बातें ऐसी हैं जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंच सकता है। हमारे देश में जमीनी रिकॉर्ड की हालत पहले से ही काफी बुरी है, पर ऐसे में किसानों को अधिकारियों के सामने यह बात साबित करनी होगी कि उनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। आपको बता दें कि किसानों को योजना का फायदा लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जानना यह भी जरूरी है कि जमीन के रिकॉर्ड के लिए किसानों को अधिकारियों के पास चक्कर लगाने होंगे। जाहिर सी बात है कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इतनी परेशानियों के बाद किसानों को सालाना महज 6,000 रुपये मिलेंगे। किसानों को खेती करने के लिए सामान जैसे खाद बीज खरीदने में इससे ज़्यादा कई खर्चे होते हैं। इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो 6,000 रुपये सालाना किसानों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, पर सवाल ये भी उठ रहे थे कि अगर किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए गए तो इससे सरकारी कोष पर दबाव पड़ेगा, लेकिन ये सच नहीं है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों की माने तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। जानना ये भी जरूरी है कि किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं पहले से चल रही हैं और उन सभी योजनाओं को ख़त्म नहीं किया जाएगा और ये सभी योजनाएं साथ चलाई जाएंगी। चुनावों से पहले कई योजनाओं से लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली घोषणाएं होती रही हैं और इस बार भी ऐसा हुआ है। सभी लोगों को सरकार ने लुभाने की कोशिश की है। एक सर्वे के हिसाब से सरकार ने अपना चुनावी घोषणा पत्र बजट के जरिए लोगों के सामने रखा। जिस ढंग से मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में भाषण दिया है, वह पूरी तरह से चुनावी भाषण लग रहा था। आपको बता दें कि भले ही सरकार इसे अंतिम बजट कह रही हो, लेकिन जो घोषणाएं हुई है वह पूर्ण बजट की तरह की गई हैं। बता दें कि किसानों को 6,000 रुपये दिए जाने की योजना दिसंबर से शुरू करने की बात कही गई है और जल्द ही इसकी पहली किस्त किसानों के खाते में भेजी जाएगी। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कुल मिलाकर ये बजट सरकार की तरफ से आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। Sustainable genetic upgradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows. The Ayog will also look after effective implementation of laws and welfare schemes for cows. Gau Mata ke samman mein aur Gau Mata ke liye is sarkar kabhi piche nahi hategi. Jo zarurat padegi usko pravdhan karegi. India is the second largest fish producing nation in the world, accounting for 6.3% of global production, registering an average annual growth of more than 7% in recent years. The sector provides livelihood to about 1.45 crore people at the primary level. To provide sustained and focused attention towards development of this sector, our government has decided to create a separate department of fisheries. In the last budget, our government announced the facility of extension of Kisan Credit Card scheme to animal husbandry and fishery farmers. Now, I propose to provide the benefit of 2% interest subvention to the farmers pursuing the activities of animal husbandry and fisheries. दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।